हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह के अराउंड 5:15 हो रहे हैं और हम लोग अल्मोरा के लिए निकल रहे हैं। अल्मोरा अराउंड 390 किलोमीटर दूर है दिल्ली के, और हम लोग अभी कैब करेंगे और वहां से हम लोग ट्रेन करने वाले हैं और फिर से हम लोग कैब करेंगे। तो बस हम लोग ऑल सेट हैं, हमारी कार भी आ गई है। देखिए लक्ष्मी दीदी, हेलो बोल दो। हेलो। और साथी और तरुण, हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो रही है टू अल्मोरा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हैं। इट्स ऑलरेडी 6:10 एज यूजुअल 6:10 हो गए हैं और हमारी 6:30 की ट्रेन है और हम लोग यहाँ ज़्यादा, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, अभी ये भी नहीं पता है कि हमको मिल पाएगी ट्रेन या नहीं मिल पाएगी, लेकिन लेट्स होप सो। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। हम लोग पहुँच गए हैं और हमें टाइम पे ट्रेन मिल गई है, तो एटलीस्ट हमारी ट्रेन तो नहीं छूटने वाली है। एग्जेक्टिव जो सेक्शन है उसमें किया है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा सेक्शन ही है और ये ऐसे लगता है। ये हम लोगों का वेलकम हो रहा है इंडियन रेलवे से, देखिए फ्लावर से, रोज से। स्वाति दिखाओ ना, फ्लावर दिख नहीं रहा आपका? हेलो फ्रेंड, हम लोग कार्ड गोदाम पहुंच गए हैं। अभी हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक और रास्ते के लिए। अराउंड अभी 80-90 किलोमीटर्स दूर होगा अल्मोड़ा यहाँ से। कार्ड गोदाम लास्ट स्टॉप था हमारी ट्रेन का और बस अब हमने कैब अपनी कर ली है यहाँ पे और सब सामान रख दिया है। अब बस हम निकल रहे हैं फॉर अल्मोड़ा। तो अभी तक हम ट्रेन से आए थे, फिर कैब करके अब जा रहे हैं और यही सबसे, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छा तरीका अल्मोड़ा पहुंचने का यही है, क्योंकि यदि आप पूरा वहां से कैब करके आते हो तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है, या कैब या सेल्फ ड्राइव करके आते हो तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है। और अगर बस से आते हैं तो बस भी बहुत टायरिंग है। तो सबसे अच्छा तो तरीका दिल्ली से अल्मोड़ा ट्रैवल करने का ये है कि आप काठगोदाम तक ट्रेन से आएँ और फिर उसके बाद कैब कर लें, और कैब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अब तरुण ने लिमका वगैरह थोड़ा ले लिया है हमारे रास्ते के लिए, सॉर्ट ऑफ हमारा पिकनिक बनते रहेगा। बाय बाय, ऑन द वे टू अल्मोड़ा। और देखिए, हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर झील पड़ती है जिसका नाम है भीमताल। बहुत ही प्रिस्टीन सी बीच है और यहाँ पे बोटिंग करनी है तो यहाँ पे बोटिंग भी की जा सकती है। और बिल्लू बार्बर जैसी मूवीज़ वगैरह की शूटिंग यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिवली हुई भी है। और देखिए, बहुत ही सुंदर है और मुझे तो अपने आप को डॉटर ऑफ द हिल्स कहने बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा बिल्कुल मूड बहुत अपलिफ्ट होता है, हो जाता है जैसे ही मैं माउंटेन्स में जाती हूँ। तो ये भीमताल है, बहुत ही सुंदर है, काठगोदाम से यहाँ अल्मोड़े के रास्ते में दो रूट हैं। कई बार भीमताल दूसरे रूट से भी जाते हैं, इस बार हम लोग यहाँ भीमताल के रूट से आए हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। भवाली के फ्रूट्स बहुत फेमस है और जब हम लोग छोटे थे तो हमारी जो बुआ थी वो हमारे लिए यहाँ से ले के रखती थी, क्योंकि उनका पोस्टिंग वहीं पे होता था। तो ये देखिए, यहाँ पे एप्पल्स हैं बहुत अच्छे, आलू बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, आलू बहुत अच्छे होते हैं और एप्पल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ की स्पेशलिटी है भवाली की फ्रूट्स। हम यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पे बहुत बहुत सारे मंदिर हैं, और जैसे चितई मंदिर बहुत फेमस है,
और आपका जागेश्वर फेमस है, और ये वाला मंदिर जो आपको दिख रहा होगा अभी ऑरेंज कलर में जो पेंटेड है, ये कैंची धाम मंदिर है। और यहाँ नीम करोड़ी बाबा का मंदिर बोलते हैं, बेसिकली ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, इसलिए देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे इतना ये फेमस है, शायद आपको पता ना हो कि इतना फेमस है कि यहाँ पे मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो ये भी रास्ते में पड़ता है काठगोदाम से यहाँ अल्मोड़े के रास्ते में ये भी पड़ता है। तो यदि आपके पास टाइम हो तो आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों की मान्यता हो।